माइक बंद है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरु व नऔजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदलिल फला हादिया लह, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما ما بعد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة نبي صلى الله عليه وسلم گزرے ایک عورت کے پاس سے یہ با सिले का है यानी मर्रा के साथ हमेशा बाई आएगा। औरत के पास से गुजरे, एक औरत का तर्जमा करेंगे क्योंकि इमरातुल नकीरा है यानी वो औरत मुतायन नहीं है, एक औरत थी तब की जो के रो रही थी, तो आप समझ जाएंगे तर्जमे से कि वो औरत जो के रो रही थी कि तब की सिफत है इमरातुल की, बकायब की रोना दराबा से कबर के पास रो रही थी। तब की पहले पूरा जुमला बन जाएगा, उसके बाद इमरातुन की सिफत बनेगा, इमरातुन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर बा का मजरूर बनेगा, जार मजरूर से मिलकर मुतालिक होगा मर्रा के। फकाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरिए। ये असल या यहाँ पर मुअन्नस की है क्योंकि आप जानते हैं कि अम्र जो बनता है वो मुजारे से बनता है, तो मुजारे इसका है यत्तकी, यत्तकी, और हाजिर बनेगा तत्तकी, उसके बाद तत्तकी तत्तकी यानी तत्तकूना, और वाहिद मुअन्नस हाजिर तत्तकीना, तत्तकीना वाहिद मुजक्कर मुअन्नस हाजिर है। अमर बनाने का तरीका यह है कि अलामत मुजारे हटाइए, उसके बाद अलिफ लगाएंगे, इत्तकीना हो गया, और आखिर में अगर नून एराबी है, अगर नून है उसको गिरा दिया जाएगा। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर में नून नहीं गिरता, इसके अलावा हर जगह से नून गिर जाता है, तो इस तरीके से आपका ये इत्तकी हो गया। इत्तकिल्लाह, अल्लाह ताला से डरिए। वस्बिरी, और सबर कीजिए, सबर यस्बिरु दरब यद्रिबु से इसका बनाने का तरीका भी वही है जो भी बतला दिया, तस्बीरी ना है। फकालत, तो कहने लगी इलैका अन्नी, इलैका अन्नी, ये समझिए पूरे तौर पर इबारत इस तरीके से है, इस सिर्फ इस सिर्फ चले जाइए, सरफ यसरी को माने फिरना, दुआ इस्तिखारा में भी आता है, वसरिफु अन्नी वसरिफनी अन, अल्लाह मुझको इस काम से फेर दीजिए अगर ये मेरे लिए बेहतर ना हो। इस सिर्फ फिर जाइए यानी चले जाइए, अन्नी मेरी तरफ से, इलाही का अपनी जानिब यानी मुझको छोड़कर अपने रास्ते पर चले जाइए, ये मतलब है। तो या तो आप यहाँ पर ये कहिए कि इलाही का मुतालिक है इसरिफ का जो कि महजूफ है, एक तरीका तो यहाँ पर ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इलाही का को आप इसमें वो मान लीजिए, इसमें फेल, इसमें फेल आप जानते होंगे, इसमें फेल कहते हैं कि जो देखने में तो इस्म हो और माना रखता हो फेल के, तो इलाही का पूरा इस्म मान लीजिए, और इसको फेल के माना में ले लीजिए, इलाही का इसरिफ के माना में है, तो इस तरीके से इसमें फेल बन जाएगा। लेकिन ही बस ये मैं आपको बतला रहा हूँ आपका जहन चलाने के लिए, वरना पहली ही तरकीब ठीक है, इस सिर्फ इलाही का अन्नी, आप मेरी तरफ से चले जाइए।
तो इसमें फेल को आप काट ही दीजिए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। इस सिर्फ चले जाइए अन्नी मेरी तरफ से इलई का अपनी तरफ, तो ये अरबों का तरीका है। हमारी उर्दू में कहिए आप मुझे छोड़कर चले जाइए, आप मुझे छोड़कर अन्नी का तर्जमा मुझे छोड़कर इलई का चले जाइए आप। फा क्योंकि ये फा सबबिया है, यानी मैं जो बात ये कह रही हूँ क्या आप मुझे छोड़कर चले जाइए क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह है इन नकलम तुसीब मुसीब भी मुसीबती, आप नहीं पहुंचे हैं मेरी मुसीबत को। असाब युसीबु के माने आप जानते हैं किसी चीज तक पहुंचना, किसी काम को करना। तो तुसीबु मुजारे है लेकिन लम की वजह से जब बा मजजूम हुआ तो दो साकिन जमा हो गए या भी और बा भी, तो या को हजफ कर दिया तुसीब हो गया। मुसीबती आप मेरी मुसीबत को नहीं पहुंचे, तो ये तो बिल्कुल लफ्जी तर्जमा हुआ लेकिन आप जानते हैं कोई ये नहीं कहता कि तुम मेरी मुसीबत को पहुंचे मैं अपनी मुसीबत को पहुंचा। हमारी उर्दू में तो बल्कि ये कहते हैं कि आपको मुसीबत नहीं पहुंची, तो लफ्जी तर्जमा तो ये है कि आप मेरी मुसीबत को नहीं पहुंचे, और खुलासा वही है जो आपने तर्जमा किया था कि मेरी मुसीबत आपको नहीं पहुंची, यानी उल्टा कर दीजिए मेरी मुसीबत आपको नहीं पहुंची। अब यहाँ पर एकदम सवाल पैदा होगा कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात क्यों कह दी, तो उसका जवाब है वलम तारिफु, इस औरत ने अल्लाह के रसूल को नहीं पहचाना। अरफा यारिफु के माने पहचानना, एक होता है अलीमा यालमु जानना, एक होता है अरफा यारिफु पहचानना। पहचानने में और जानने में फर्क होता है, इरफान और इल्म के अंदर फर्क है। किसी चीज को आप जानते हो लेकिन एकदम वक्त पर समझ में ना आए, इसको कहेंगे कि मैं पहचान नहीं पाया। और एक को आप सिरे से जानते ही ना हो, उसको कहेंगे मैं जानता ही नहीं इसको। तो अल्लाह के रसूल को वो जानती तो थी लेकिन उस वक्त उस पर मुसीबत की ऐसी परेशानी टूटी हुई थी कि वो पहचान नहीं पाई, तो इस वजह से पहचान का तर्जमा करेंगे, जानने का तर्जमा नहीं करेंगे यहाँ पर। और वो अल्लाह के रसूल को पहचान नहीं पाई। फकीला तो उससे कहा गया, यानी किसी ने कहा होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चल दिए, उसके बाद किसी ने कहा होगा कि अल्लाह के रसूल गुजरे थे यहाँ से, तुमको क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा होगा कि ये कह रहे थे, फिर पता लगा अच्छा इन्नहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहा गया इस औरत को कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो इससे तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल वहीं खड़े हुए थे, हालांकि ऐसा नहीं है, वो चल दिए होंगे। और इशारे से गोया के कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और तू अजीब औरत है, उनको ये कह रही लम तुसीब भी मुसीबती इलई कानी, आप चलिए मुझे छोड़कर, तो ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। तो एकदम ये संभल गई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए आई। फ़अतत चुनाचे वो आई, अतायाती आना, बाबन नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर, यानी घर के दरवाजे पर। फलम तजिद तो उसने नहीं पाया इन दहू अल्लाह के रसूल के पास बवाबीन, बवाब आप जानते हैं बाभी से है क्योंकि इसका असल मादा क्या है बा वाओ बा, और इसका भी असल मादा क्या है बा वाओ बा, या नून तो जमा की है, अलिफ निस्बत का है। बवाब फाल का जो वजन होता है वो अरबी में मुबालगे के लिए आता है, बवाब गफ्फार बहुत ज्यादा मगफिरत करने वाला, जब्बार बहुत ज्यादा जबर हुकूमत जबरदस्ती रखने वाला, कहार बहुत ज्यादा कहर करने वाला, बवाब बहुत ज्यादा दरवाजे वाला। बहुत ज्यादा दरवाजे वाले का मतलब ये नहीं है कि उसके बाप बहुत ज्यादा दरवाजे हैं, यानी जो बहुत ज्यादा दरवाजे पर खड़ा रहता है, जिसे गेट कीपर दरबान, तो दरबान गेट कीपर बवाब कहते हैं अरबी में, जैसे आप कहिए लब्बान दूध वाला, सैयार बहुत ज्यादा चलने वाला, तो बवाब भी इसी तरीके से गेट कीपर और दरबान। तो इस औरत ने नहीं पाया अल्लाह के रसूल के पास
दरबानों को, या नून जमा के साथ है, यानी आमतौर पर तो बादशाहों के पास जाते हैं से पहले कितने ही लोग रोकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है। बादशाह से तो मिलने का मौका नहीं मिलता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सादा जिंदगी थी कि एक औरत भी घुसकर कुछ भी पूछ सकती है पर्दे के साथ, वो उसको कोई रोकता रोकता टोकता नहीं है। इस वजह से लफ्ज उन्होंने बोला है, फलम तजिद इंदहु बवाबीना। तो बवाबीना ये जमा मुजक्कर सालिम है, और आप जानते हैं जमा मुजक्कर सालिम हालत नस्बी में या नून के साथ आती है, बवाबीना हो गया, मफूल भी ही है। फकालत, तो इसने अब आकर माजिरत की, कहने लगी लम आरिफ का, मैं आपको नहीं पहचान पाई। फकाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ठीक है, पहचान नहीं पाई ये तो बात ठीक है, माफ है, लेकिन मसला सुनती जाओ। इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल उला, सबर सबर करते हैं उर्दू में, तो ठीक है उर्दू में तो चलेगा सबर, लेकिन अरबी में आपको सब्र ही कहना पड़ेगा। तो जब आप कुरान पढ़े, हदीस पढ़े या अरबी की कोई इबारत पढ़े तो आप सब्र कहें। कुरान में वस्तईनु बिस सबरी, ये सबरी बिस सबरी है, तो अरबी इबारत में सब्र पढ़ा जाएगा ना कि सबर। उर्दू में हाँ सबर बोलिए। सबर तो सिर्फ पहले सदमे के वक्त होता है, सदमा सब जानते हैं, उर्दू में भी बोला जाता है मुसीबत को। इन्नमा आप जानते हैं कलिमा हसर है, और कलिमा हसर का मतलब ये होता है कि ये है और दूसरा नहीं है। तो है तो ये कि सबर करना चाहिए पहली मुसीबत के वक्त, और नहीं क्या है, नहीं ये है कि आखिर में आकर सबर नहीं करना चाहिए, बल्कि शुरू ही में सबर करना चाहिए, क्योंकि इंसानी फितरत है, शुरू में तो सबर करना मुश्किल होता है, और आखिर में तो रो धोकर आदमी बैठ जाता है, खुद ही थक जाता है रो रो कर, तो आखिर में तो हर एक सबर कर लेता है। तो इस वजह से जो सबर की फजीलत है और सबर पर जो सवाब मिलता है वो मुसीबत के शुरू में मिलता है, उस वक्त आदमी गिले शिकवे ना करे और उस वक्त अपना आपको कंट्रोल में रखे। पहली मुसीबत के वक्त का मतलब यह है कि मुसीबत जब पड़ी बिल्कुल उस टाइम सबर हो, गोया के एक मुसीबत ये, उसके बाद जो पड़ेगी वो दूसरी मुसीबत, उसके बाद जो आएगी वो तीसरी मुसीबत। आज का तो बहुत आसान सा है, चलिए अगर आसानी है तो कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब जी, इसका तर्जमा फिर से करते, सुनने में नहीं आया, उसमें नेट नहीं चल रहा था। फलम तजीद इंदहु बवा बीना, उस औरत ने अल्लाह के रसूल के पास दरबानों को नहीं पाया। जी हजरत, ये जो इत्तकिल्लाह पढ़ा था तो जी, ये असल में इत्तकी है, जो कायदा नंबर 4 से मोतल के इत्तकी बना दिया, ऐसे ही है। तक्वा का मादा नहीं है, तकवे में ये देखो मादा क्या है, ता काफ वाव मादा है ना। अच्छा, और बाबे इफ्तियाल में शुरू में ता है, तो ये ता है दोनों, यहाँ इतकी नहीं है, हमजा, अगर हमजा आप निकालेंगे तो मादा कुछ मादा हो गया हमजा काफ वाव, हालांकि मादा तो तकवे का ता काफ वाव है ना, समझ रहे जी। ता काफ वाव मादा है तका, और उसको बाब इफ्तियाल में ले गए, इफ्तियाल में भी ता है और वहां भी पहले से मादे में ता है, तो ता का इदगाम कर दिया, इत्तका असल में इत्तकवा, और फिर वहां वही कायदा चलेगा, वाव मुतहर्रिक माकवल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदल दिया, इत्तका हो गया। यत्तकी वो, यहाँ पर कायदा यह है कि जब वाव को या बना दिया, क्योंकि वाव से पहले जेर है, ये भी कायदा है कि वाव से पहले अगर जेर हो उसको या बना देते हैं, इत्तकी यू हो गया, और उसके बाद या पर पेश मुश्किल पड़ता है उसको साकिन कर दिया, यत्तकी हो गया। तो माजी के अंदर यह तालील हुई वाव मुतहरिक मा कबल मक्तू वाली, और मुजारे के अंदर वो तालील हुई कि वाव को या बदला और फिर या से जम्मा हटाया। जी साहब, ये लम तुसिब पढ़ेंगे, इसको लम तुसिब, जी लम तुसिब,
जेर पढ़ेंगे साथ के ऊपर जी, जेर पढ़ेंगे असाब युसीब जी जी। तो ये यहाँ का आ गया, यहाँ का इतलाया तो था मैंने इसमें लिखा दिया या तुसीबु तुसीबु था, बाकी लम की वजह से बा साकिन हुआ ना, तो जब बा साकिन हुआ तो या भी साकिन बा भी साकिन इज्तिमा साकिन है इनकी वजह से या हजफ हो गई। लम तुसीब भी मुसीबत ही मैंने बतला दी इसमें कि लफ्जी तर्जमा था कि आप नहीं पहुंचे मेरी मुसीबत को, लेकिन उर्दू में तो कोई नहीं ये कहता, बल्कि उल्टा करेंगे तर्जमा कि आपको मेरी मुसीबत नहीं पहुंची, तो यही मैं कह रहा था कि आपको बतलाऊंगा। نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم